इस वीडियो में बाबर आजम और सुमन गिल की लास्ट 30 इनिंग्स ओडीआई कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बाबर आजम और सुमन गिल की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बाबर आजम का जन्म 1994 में हुआ था। सुमन गिल का जन्म 1999 में हुआ था। बाबर आजम का करेंट एज 28, सुमन गिल की करेंट एज 24। बाबर आजम राइट हैंड्स बैट्समैन है और सुमन गिल भी राइट हैंड्स बैट्समैन है। बाबर आजम ओपनिंग और तीन नंबर में बैटिंग करते हैं और सुमन गिल ओपनिंग में बैटिंग करते हैं। आप बात करते हैं उनकी फास्ट 30 ओडीआई इनिंग्स के बारे में। बाबर आजम 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया। सुमन गिल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया। बाबर आजम 30 इनिंग्स में कुछ 1409 रन बनाया। सुमन गिल 30 इनिंग्स में 1572 रन बनाया। बाबर आजम के बेहतरीन स्कोर 125 और सुमन गिल के बेहतरीन स्कोर 208। बाबर आजम 4 बार नॉट आउट रहे और सुमन गिल 6 बार नॉट आउट रहे। बाबर आजम बैटिंग औसत 54.20, सुमन गिल बैटिंग औसत 65.50। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 88 और सुमन गिल की स्ट्राइक 103। बाबर आजम 5 शतक और 6 अर्ध शतक मारा है और सुमन गिल 4 शतक और 8 अर्ध शतक मारा है। बाबर आजम 17 छक्का और 116 चौका मारा है और सुमन गिल भी 29 छक्का और 185 चौका मारा है। बाबर आजम 4 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, सुमन गिल भी 4 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। बाबर आजम की आईसीसी रैंकिंग है 2 और सुमन गिल की आईसीसी रैंकिंग है नंबर 1।